तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे एएफसी स्लॉट के बारे में इंडियन क्लबों के लिए, क्योंकि बेंगलुरु एफसी को फिर से मिल चुका है एएफसी कप का स्लॉट, जहां पर मुझे लग रहा है कि चेन्नई एफसी के साथ ना इंसाफी हुआ है। तो सबसे पहले शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि एफसी गोवा ऑलरेडी एएफसी चैंपियन लीग में पहुंच चुका है, ग्रुप स्टेज में डायरेक्ट एंट्री उनका हो चुका है, क्योंकि आईएसएल के लीग फेज में उन्होंने टॉप किया था और उसके ही रिवार्ड मिला है एफसी गोवा को एफसी चैंपियन लीग के ग्रुप स्टेज में एंट्री एकदम डायरेक्टली, एकदम कंफर्म है, यहाँ पर कुछ भी संदेह नहीं है। लेकिन हमारे डिस्कशन का चीज़ यह है कि एएफसी कप का जो स्लॉट था, दो स्लॉट था, एक आई लीग विनर को जाता और एक जाता भाई आईएसएल के विनर को, और यहाँ पर ही भाई गड़बड़ हो चुका है। तो अगर आई लीग के विनर की बात किया जाए तो आई लीग के विनर है भाई मोहन बगान, दूसरी तरफ अगर आईएसएल के विनर की बात किया जाए तो आईएसएल का विनर है भाई एटीके। लेकिन एटीके मोहन बगान मार्ज हो रहा है, एक टीम बन रहा है, तो अलग अलग जाकर तो नहीं खेल पाएगा, एक टीम बनकर ही दोनों को खेलना पड़ेगा एएफसी कप में। तो भाई एटीके ने डिसीजन ले लिया है कि वो मोहन बगान के स्लॉट में खेलेगा, एटीके जो अपना स्लॉट अर्न किया था आईएसएल जीतकर वो उसको छोड़ रहा है और वो जाएगा मोहन बगान के साथ। तो मोहन बगान यहाँ पर आई लीग का विनर है और आई लीग के विनर के लिए एएफसी कप के ग्रुप स्टेज में डायरेक्ट एंट्री है। तो एटीके मोहन बगान मिलकर जो नया एंटिटी हो रहा है उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा एएफसी कप के ग्रुप स्टेज में। और एक स्पॉट भाई यहाँ पर पड़ा हुआ था जो लग रहा था कि चेन्नई एफसी के पास जाएगा एएफसी कप के प्लेऑफ या अब लोग जो क्वालिफाइंग स्टेज है उस स्पॉट को पकड़ लीजिए। तो ये स्पॉट भाई जाने वाला था चेन्नई एफसी को, क्योंकि चेन्नई एफसी रनर्स अप हुआ है आईएसएल में। लेकिन जो न्यूज अभी हमें सुनने को मिल रहा है और कंफर्म भी हो चुका है कि बेंगलुरु एफसी को वो स्पॉट मिल चुका है। तो हमारे मन में अभी क्वेश्चन आ रहा है कि बेंगलुरु एफसी को क्यों मिला है वो स्पॉट। तो अगर आप लोग आईएसएल का जो पॉइंट टेबल है वहाँ पर देखेंगे तो 30 पॉइंट के साथ बेंगलुरु एफसी तीसरे पोजीशन पर है और चौथे पोजीशन पर है चेन्नई एफसी 29 पॉइंट के साथ। तो भाई यही है मामला, पॉइंट टेबल के हिसाब से बेंगलुरु एफसी आगे है और इसीलिए बेंगलुरु एफसी को एएफसी कप के प्लेऑफ स्टेज का जो स्पॉट है वो मिल चुका है। और हम लोगों को लग रहा था कि भाई जो रनर्स अप है चेन्नई एफसी उनको ही मिलने वाला है, लेकिन एआईएफएफ यहाँ पर कुछ अलग ही खेल खेल गया है। उन्होंने देखा है पॉइंट टेबल को, यहाँ पर रनर्स अप कुछ भी नहीं देखा। पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है बेंगलुरु एफसी, एटीके ने अपना स्पॉट छोड़ दिया है और इसीलिए भाई बेंगलुरु एफसी को मिल चुका है एएफसी कप में फिर से एक और स्पॉट इस सीज़न में। तो भाई बहुत ही भद्दा परफॉर्मेंस क्या है बेंगलुरु एफसी निकल भी चुका है एएफसी कप 2020 से, लेकिन अभी भी एक और टीम बाकी है चेन्नई सिटी एफसी, जो कि भाई आई लीग का क्लब है चेन्नई सिटी एफसी, अभी एएफसी कप में खेलने वाला है, उनका मैच अभी भी बाकी है। और अब तक तो भाई चेन्नई सिटी एफसी का मैच कंप्लीट भी हो जाता लेकिन कोरोना वायरस के चलते सब कुछ पोस्टपोन हो गया था, और एएफसी ने नया डेट भी घोषणा कर दिया है 23 अक्टूबर 2020 में, 23 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक सब कुछ मैच कंप्लीट हो जाएगा एएफसी कप के लिए, एएफसी ग्रुप स्टेज के लिए, ऐसा हमें सुनाई दे रहा है और कंफर्म भी हो चुका है। तो भाई देखिए एक ही वेन्यू पर हर मैच खेला जाएगा ऐसा भी घोषणा है। तो चेन्नई सिटी एफसी शायद इंडिया में नहीं भी खेल सकता है, कुछ न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेल सकता है, ऐसा डिसीजन आ चुका है एएफसी के तरफ से। तो चलिए जब फुल डिटेल्स में हमें पता चल जाएगा चेन्नई सिटी एफसी का मैच कब है, कहां पर होगा, मैं आपको एक और बार कंफर्म कर दूंगा। लेकिन 23 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक एएफसी कप शायद कंप्लीट हो जाएगा इस सीज़न में, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और हमारा जो मेन मुद्दा था भाई, आप लोगों को क्या लगता है कि चेन्नई एफसी के साथ नाइंसाफी हुआ है, उनको क्या स्पॉट मिलना चाहिए था एफसी कप के लिए? मेरे हिसाब से तो भाई मिलना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि नाइंसाफी हुआ है, बेंगलुरु एफसी को मिला है अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं चेन्नई एफसी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि चेन्नई एफसी अच्छा परफॉर्मेंस करके रनर्स अप बना है भाई, अच्छा परफॉर्म किया है और आगे गया है, उसको ही देखते हुए भाई मैं चेन्नई एफसी के साथ जाना चाहता हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा है कि बेंगलुरु एफसी को मिलना चाहिए था स्पॉट।
आप अपना राय कमेंट करके जरूर बता दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।